मेरा कॉल क्यों उठा रही? कब से कॉल कर रहा हूँ तुझे? जानबूझ के थोड़ी कर रही हूँ, बिजी थी, खाना पका रही थी। मैं कुछ नहीं जानता, मैं कल आ रहा हूँ तुझे ले आने के लिए। तुझे बोला मैंने, एक तो रूम चेंज कर, नहीं तो फैन लेकर आ, तभी मैं आऊंगी। मैं कुछ नहीं जानता, मुझे उनकी याद आ रही है। मुन्ना की याद आ रही है? मुझे पता है तुझे किसकी याद आ रही है। तेरी भी याद आ रही है। वहाँ पर दिन भर मच्छर कटते, रूम में गर्म होता है, रात भर नींद नहीं आती, मुन्ना भी रोता रहता है, तू तो दिन भर बाहर रहता है, दिन भर मरती हूँ मैं। तू आ तो सही, इस बार मैं पक्का रहूंगा। हर बार ऐसे ही कहते है तू, अब जब फैन आएगा तभी मैं आऊंगी। इसको ठीक करने का कितना लगेगा? चेक करना पड़ेगा 2 मिनट उसको। कितना खर्चा आएगा? नहीं, चेक करने के बाद ही पता चलेगा, 2 मिनट चेक करना पड़ेगा। ठीक है। इसमें क्या? इसका 500 रुपये लगेगा। 500 रुपये? कब तक हो गए? कल शाम तक हो जाएगा। ठीक है, 100 रुपये एडवांस देना पड़ेगा। चलिए। क्या नाम है आपका? विशाल। गानों से भरा हुआ है, कुछ ऐसे गाने हैं जो हमारे मन के उस कोने पे चोट पहुंचाते हैं जहां पे बड़े अनोखे किस्से भी आपके साथ बांटूंगा, जैसे कि भाई संजीव कुमार साहब ने शादी। हाँ विशाल, क्या? हाँ है, काम कर रहा है। हाँ हाँ ठीक है, भेजता हूँ। ए विशाल, तेरा मोबाइल बंद है क्या? हाँ बंद है। मालिक ने तुझे बंगले पे बुलाया। बंगले पे बुलाया? तू जा, मैं करता हूँ। विशाल, मैंने एक नया लॉन्ड्री शॉप लिया है, वहाँ पे पूरा कामकाज तुझे ही देखना है, अब पेमेंट भी दुगना मिलेगा, करेगा ना? हाँ मालिक, क्यों नहीं, ज़रूर आऊँगा। ठीक है, कल से आ जा। ठीक है मालिक, कुछ पैसे की ज़रूरत थी और मेरा मोबाइल भी ख़राब हो गया। अरे कुछ नहीं, खुद का काम है इसलिए तेरे को पैसा दिया, चाय पिलाया। जब तुझे सब में ज़रूरत होगी ना, तब तेरे पास कोई नहीं आएगा। ये ऐसा ही होता है, ये सब ऐसा ही चलता है। लेकिन मुझे तो ऐसा कुछ नहीं लगा। अरे तू नया है, ये शहर है शहर, या कोई किसी का नहीं होता। मोबाइल ठीक हो गया? हाँ हो गया ना, एक मिनट। कितना हो गया? 400 रुपये बाकी था। Thank you.
हेलो फैन क्यों बंद पड़ गया? लाइट तो है फिर? ठीक है, देखता हूँ मैं। भैया ये फैन फैन नहीं चल रहा है। ऐसे कैसे? मैंने तो चालू करके दिया था। मतलब चालू था, अचानक से बंद गिर गया। घर पे तो नहीं चल रहा था। स्विच में कोई प्रॉब्लम रहेगा, चेक कीजिए। अच्छा ठीक है। अरे विशाल, तू कल क्यों नहीं आया? तू नहीं आया इसलिए उन्होंने वो काम गणेश को दे दिया। गणेश को दे दिया? अब तू भी इधर ही सड़ता रहे मेरे जैसा। लेकिन ऐसा कैसे कर सकते हैं वो? क्यों नहीं कर सकते, मालिक है वो, उनकी मर्जी। यहाँ सब मतलब के लिए चलता है दोस्त। जब तुझसे मतलब नहीं निकला तो उन्होंने गणेश को पकड़ा। चल जाने दे, काम कर। स्कूल में जाके आई। तूने उसके 2 महीने की फीस क्यों नहीं भरी? हाँ ठीक है, इस बार भर देंगे बोल। तूने पिछली बार भी ऐसे कहा था, वो नहीं मान रहे। कुछ भी कर, मुझे फोन मत कर तू। तो किसे करूँ? तूने फीस क्यों नहीं भरी? क्यों नहीं भरी फीस? क्यों नहीं भरी फीस? तुझे फैन चाहिए ना, फैन।
हाँ मच्छर काटते मुन्ना सोने नहीं देता, अभी फैन आ गया ना, अब शांत रहे तू और मुन्ना को पढ़ा इंग्लिश स्कूल में और फोन मत कर मुझे। तू बिना बात पे मुझ पे क्यों भटक रहा है? तो क्या करूँ मैं, पैसे नहीं मेरे पास, खत्म हो गए सारे पैसे। जैसे कुछ होता है तू कर, नहीं तो मुन्ना को घर पे लेके आया वापस। फैन देखा, कह रहा था कि अगर फैन लगाना है तो लाइट नहीं मिलेगा, खाली एक बल्ब जलाओ और अगर फैन लगाना है तो रूम भाड़ा ज्यादा देना पड़ेगा और लाइट का अलग। पिछले महीने का रूम भाड़ा भी मांग रहा था, कह रहा था कि अगर अगली बार फैन लगाओगे तो सामान फेंक दूंगा बाहर और हमको भी। हेलो हेलो मालिक, मालिक वो लाइट लगा दो ना। मालिक मैं फैन नहीं लगाऊंगा, सिर्फ एक बल्ब लगाऊंगा बस, प्लीज मालिक अभी तक खाना भी नहीं पकाया। ठीक है। यह शहर है, यहाँ पे कोई किसी का नहीं होता।